Here we go. Assalamu alaikum and welcome to Reacting. मेरा नाम है तंजील और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल Reacting. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ राहुल गांधी जी के एक वीडियो पर, जिसमें वो एक बड़े ही छोटे से कस्बे में किसी बार्बर की शॉप पर वहाँ पर जाकर अपनी कटिंग करवाई है. और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ऑनरेबल बात होगी किसी भी बंदे के लिए. तो राहुल गांधी जी बड़े ही हम्बल इंसान माने जाते हैं मेरा ख्याल में. आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं इंडिया में. तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में कि बार्बर शॉप पर जाके इनकी क्या डिस्कशन हुई बार्बर के साथ. तो लेट्स चेक इट आउट. भाई खतरनाक बंदों की फोटो लगाई हुई है बार्बर ने भी. ये सारी स्टाइल्स काटते हो? जी जी सर, जी आजकल यही सब चल रही है. और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे ऐसा चाहिए? हाँ ऐसा. और आपके बाल कौन काटता है? हमारे जो काम करते हैं साथ. और अपने काम के बारे में बताओ, कितने घंटे करते हो, कितना पैसा बनता है? अभी बन जाता है 400-500 रुपए सुबह 7 बजे से रात को 8:30 बजे तक. और कैसे सीखे? सर जी गांव में सरेनी में सीख रहे थे, फिर मुंबई गए. किसने किसने सिखाया? हमारे बड़े भाई. अच्छा, वो भी यही करते हैं? हाँ वो भी करते सर. फिर आप बम्बई गए? हाँ. किसी सैलून में काम किया? हाँ सैलून में सर जी नौकरी कर रहे थे. वो कैसा लगा? सर जी ठीक था, इधर गाँव में इधर ज्यादा सही था. अच्छा, और कितने साल से कर रहे हो? सर जी 2005-06 से कर रहे. अच्छा, दुकान किराए की है? हाँ सर. कितना देते हो किराया? 1500. और कितने लोग काम करते हैं? सर जी 3 लोग काम करते हैं. पापा क्या करते थे? बैंक में पीन है. अच्छा, पानी वानी देना. आपने वो एक वीडियो देखा जिसमें वो आग लगा देता है? हाँ सर. बाल पे? हाँ सर. वो क्या हो रहा है? अरे ड्रामा करते सर जी, उसमें कुछ नहीं. अभी हम लोग एक दो आते हैं क्लाइंट, बोलते करो तो हमको कुछ पता नहीं कि जल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. तो ये जो फैशन बनता है, हाँ, कैसे बनता है? अरे सर जी ये सब हीरो लोग सब ये बनाते हैं. हाँ सब क्रिकेटर लोग कटा लेते हैं तो इधर लोग देखते हैं कैसे भैया ऐसा मुझे चाहिए. हाँ ऐसा चाहिए सर जी. हम लोग परेशान हो जाते हैं नए नए कटिंग. आप कुछ और काम करना चाहते थे भाई या यही थी चॉइस? सर जी हम पढ़े नहीं थे तो फिर यही काम करना. मैंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो दाढ़ी बहुत लंबी हो गई थी. हाँ सर जी वो देखे थे हम लोग टीम में. कितने लोग में बाल काटते हैं दिन में? 10-12-15. संडे के दिन ज्यादा हो जाता है, 20-25 हो जाता है. हमारी महालक्ष्मी योजना का नाम सुना है? जी सर. गरीबों के बैंक अकाउंट में 1,00,000 रुपए. जी सर. साल के? जी बढ़िया. महिलाओं को? हाँ. आप कब तक पढ़ाई की? सर जी 5वीं तक. क्यों छोड़ दी? पैसे रुपए की थोड़ा दिक्कत थी. 4 भाई थे. अच्छा, भाई क्या करते? अब भाई ऐसे ही अपना काम कर रहे हैं. अरे सैलून में कोई एक लोग बम्बई में नौकरी कर रहे हैं. हाँ. गांव में एक लोग पढ़ाई कर रहे हैं. तो रायबरेली के विकास के लिए सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है? हाँ रोजगार सर जी, और कुछ नहीं. जो अग्निवीर वाला ये सब अग्निवीर बंद होना चाहिए. हाँ सर जी. अग्निवीर को तो बंद कर रहे हैं हम. अगर हमारी सरकार आएगी तो उसको तो खत्म कर देंगे. बच्चे लोग मेहनत करते सर जी. और आप दो तरीके के शहीद बना रहे हो, एक अग्निवीर एक दूसरा. युवा अग्निवीर के काफी खिलाफ है ना? सर जी. यूपी और बम्बई में आपको क्या फर्क लगा? इधर पैसा कम थे, इधर चले गए थे. अच्छी लगी बम्बई? अभी तो नहीं सर जी, पहले तो अच्छी लग रही थी. अरे उधर सर जी बम्बई नहीं अच्छी लगी, 10-12 हज़ार मिलता था और खाना पीने. सेक्शन में बताइएगा. ओके दी, दैट्स इट. ये थी आज की वीडियो. और बड़ा ही हम्बल पर्सनैलिटी है यार ये राहुल गांधी भी. और ये आई थिंक गांधी जी की उन्हीं के आगे परिवार में से हैं, आई थिंक उसी उन्हीं के फैमिली ट्री में से हैं. इनका आगे शायद होते हैं इनके. तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि गांधी जी के क्या लगते हैं, जो कि जिन्होंने इंडिया में पार्टिसिपेट किया था इंडिया बनाने में. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा. बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है और किसी एक आम से बंदे के पास जाकर उन्होंने अपना सारा कटिंग वटिंग जो बार्बर का रिक्वायरमेंट वो सारा कुछ वहाँ पर जाके करवाया और साथ साथ अपनी कैंपेन कर रहे हैं. इलेक्शन डेफिनेटली बहुत करीब आ चुके हैं, आई थिंक बल्कि शुरू भी होने वाले होंगे. मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप ज़रूर. तो बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है और इनका आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं. जब मैंने इनका चैनल सब्सक्राइब किया था तो आई थिंक 3.9 मिलियन आई थिंक सब्सक्राइबर थे. और लेकिन आज जब मैंने इनका वीडियो देखा
तो 6 मिलियन भी क्रॉस कर चुके हैं, आई थिंक एक महीने की बात होगी सारी, एक डेढ़ महीने की बात, तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो होप सो आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर देगा। और आप इस बार किस बंदे को अपना ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं इंडिया में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।